गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर अ मशीन, जो चैप्टर फर्स्ट हमारा रनिंग में था, उस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। ओके, क्वेश्चन जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस, ओके, या ट्रू फॉल्स टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्टडीज किए थे। ओके, नाउ व्हाट विल डू इन दिस क्लास? इस क्लास में क्या करेंगे कि अपने जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, फर्दर क्वेश्चंस लाइक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो हम लोग अपनी इस क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट डाउन करेंगे, ओके, आंसर लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं हमें इनका आंसर राइट डाउन करना है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने ये चैप्टर में स्टडी कर लिया है एंड हम लोगों को अच्छे से समझ भी आया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग। हमें नेचुरल थिंग के कोई भी टू एग्जांपल्स लिखने हैं। ओके, नेचुरल थिंग क्या होती है बेटा? जो प्राकृतिक, मतलब भगवान की बनाई हुई है। ओके, मतलब वो चीज जो नेचुरल है, जो कि मेन मेड नहीं है, इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई वो। ओके, वो चीज जो इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई, ऑटोमेटिकली वो नेचर के थ्रू है, वो क्या होती है? नेचुरल थिंग। तो क्या करना है हमें यहां? टू एग्जांपल्स राइट डाउन करने। सो टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स आर, क्या क्या है? टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स आर ट्रीज, TREES, ट्रीज, एंड और क्या लिख सकते हैं? ह्यूमंस, HUMANS, ह्यूमंस। ओके, सॉरी, ह्यूमन, ट्रीज एंड ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, नेम अ मशीन दैट रन्स ऑन फ्यूल। आपको उस मशीन का नाम बताना है जो कि फ्यूल से चलती है। फ्यूल क्या, फ्यूल का मतलब क्या होता है बेटा? कि जिसको मतलब डीजल, पेट्रोल, कोल, ओके, इन सब की जरूरत होती है। इनमें से मतलब कोई भी एक, डीजल की या पेट्रोल की या फिर कोल की या केरोसिन वगैरह की, किसी भी एक फ्यूल की जरूरत होती है। वो क्या होते हैं? व्हीकल्स या मशीन्स रन्स ऑन फ्यूल। तो जो हमारी कार्स होती हैं, ओके, जो हमारी बस है वो किससे चलती है बेटा? फ्रॉम फ्यूल। जो हमारी बाइक है, जो हमारी स्कूटी है, वो किससे वर्क करती है? ऑन फ्यूल। ओके, सो नेम ए मशीन, हमें एक मशीन का नाम बताना है, सो दैट इज कार, CAR, कार। कार इज अ मशीन दैट वर्क्स, दैट रन्स ऑन फ्यूल। कार एक ऐसी मशीन है जो कि फ्यूल से चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। आपको क्या करना है? कंप्यूटर के कोई भी टू फीचर्स लिखने हैं। ओके, हमने कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स स्टडी किए थे। ओके, आपको क्या करना है? उनमें से एनी टू फीचर्स आपको बताने हैं। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कि एक कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट वर्क कर सकता है। ओके, सेकंड कौन सा लिख सकते हैं? कि एक कंप्यूटर जो है वो कभी भी गलतियां नहीं करता है। सो राइट एनी टू फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। द टू फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर, फर्स्ट इज कंप्यूटर, CUMPUTER, कंप्यूटर, WORKS, वर्क्स, VERY, वेरी, FAST, फास्ट। कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट वर्क करता है, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। ओके, सेकंड इज CUMPUTER, कंप्यूटर, DOESNOT, डज नॉट, MAKE, मेक, ANY, MISTAKE, मिस्टेक। एक कंप्यूटर जो है
वो कभी भी गलती नहीं करता है। ओके तो ये क्या हो गए, टू फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ओके फोर्थ क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या करना है हमें, कंप्यूटर के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनका नेम राइट डाउन करना है। ओके सो कौन कौन से बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट इज डेस्कटॉप, सेकंड इज लैपटॉप, थर्ड इज टैबलेट। ओके जो कि हमारी बुक में है। ओके सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, फर्स्ट इज DESKTOP डेस्कटॉप, COMPUTER कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकंड इज LAPTOP लैपटॉप, COMPUTER लैपटॉप कंप्यूटर। एंड थर्ड इज, थर्ड कौन सा है, थर्ड इज TABLET टैबलेट। ओके थर्ड कौन सा है बेटा, टैबलेट कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। ओके सो हो गया हमारा क्वेश्चन फोर्थ, हमारा चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क, होमवर्क क्या है कि ये जो फोर क्वेश्चंस जब मैं आपको करवा रही हूं तो आपको बुक में राइट डाउन करने हैं। ओके एंड इन होमवर्क यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके समझ नहीं आए, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो। ओके बाय।